हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवन टेस्टी फूड्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल और सभी की फेवरेट मटर की खस्ता करारी कचौरिया। सर्दियों में मार्केट में हर ठेले पे आपको मटर ही मटर दिखेंगे और ढेर सारे मटर। मटर के सीजन में आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। कुछ खास ट्रिक है जिससे आप इस मटर की कचौड़ियों को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं मटर की कचौड़ी की रेसिपी बनाने के लिए। मटर की कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी मटर ले लिया है, तो इसको हल्का सा हमें भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, गैस ऑन कर दिया। एक चम्मच डाल देंगे इसमें घी। घी की जगह आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो घी गर्म होते ही इसमें डाल देंगे मटर और मटर को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसे भून लेंगे। इससे इसका जो कच्चापन है वो चला जाता है और इसका जो टेस्ट होता है कचौड़ी में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो मटर को लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए, अच्छे से 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मटर अच्छे से भून गया है। तो इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तब तक मैंने यहाँ एक कटोरी धनिया पत्ता ले लिया है। इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 डाल देंगे इसमें लहसुन की कलियां और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और आप इसमें चाहिए तो पुदीने के पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका पेस्ट तैयार हो गया है, तो इसको एक बाउल में हम निकाल के पहले रख लेते हैं। और इधर मटर भी हमारे ठंडे हो गए हैं, तो इसमें सारा मटर ऐड करके इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। लेकिन बहुत इसे बारीक नहीं पेस्ट बनाना है, थोड़ा इसको दरदरा सा ही रखेंगे। तो देख सकते हैं ये दरदरा सा पेस्ट बन के तैयार है। इसमें बहुत ज्यादा पेस्ट हमने इसको नहीं बनाया है। इसमें देख सकते हैं आप, जो मटर के दाने भी आपको नजर आएंगे। तो बस इतना ही इसको अच्छे से पेस्ट करना है। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो धनिया पत्ता और मटर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ हम मसाला तैयार करेंगे। तो एक बाउल ले लिया, इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्च तीखी वाली, 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच और 1 चम्मच डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, सौंफ इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है और 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच डाल देंगे सफेद नमक। तो नमक मैंने जितना हमने मटर लिया है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसी कढ़ाई में 2 चम्मच हम घी ऐड कर रहे हैं। घी की जगह आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो घी गर्म होते ही इसमें 1/2 चम्मच डाल देंगे जीरा और 2 पिंच डाल रही हूँ मैं हींग। और जीरा हींग को अच्छे से भून लेते हैं और गैस का फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो। और ये जो हमने मसाले अभी रेडी करे हैं, तो ये मसाले इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भूनना है। और लगभग 1 मिनट होने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। तो डाल देते हैं 2 चम्मच बेसन। और बेसन और मसालों को अच्छे से इसकी भुनाई करनी है बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक मैं इसे इसमें अच्छे से खुशबू ना आने लगे। तो ये इसमें खुशबू अच्छे से आने लगी है, लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे इसे भूनते हुए। अब इसमें हमने जो मटर और धनिया पत्ता का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे डाल देते हैं और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम अभी मैं मीडियम कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लेते हैं। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लें इसे। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे मैं और 2 से 3 मिनट और भून लूंगी। और भून गए हैं, इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसी हुई चीनी रखी हुई थी इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया है। चीनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और चीनी अच्छे मिलाने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो गैस मैं बंद कर देती हूँ। तो जब तक हमारा स्टफिंग जो है वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये डो तैयार कर लेंगे। तो 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और जितना मैंने मैदा लिया है उसका 1/4 भाग डाल रही हूँ ऑयल और अच्छे से मिला लेंगे इसे। और इसको देखिए, अच्छे से जब मैं बाइंड कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। इसका मतलब हमने जो इसमें ऑयल ऐड किया है परफेक्ट है। अब इसका डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी का यूज किया है
और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेते हैं पहले। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है, तो इसे मैं ढक के 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। और ये हमारा जो स्टफिंग है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया, तो क्या करेंगे इसके मैं छोटे छोटे बाउल बना के रेडी कर लेती हूँ। तो इसके छोटे छोटे बाउल बना लेते हैं। तो ये देखिए इस साइज के मैं सारे बॉल बना के पहले रेडी कर लूंगी और ये हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसे साइड में रख देंगे और लगभग 20 मिनट हो गया है तो इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं मैं देखो। अब इससे हम लोई निकाल लेंगे, तो सारे लोई पहले हम इसे तोड़ के पहले निकाल लेते हैं। तो मैंने जितना बड़ा स्टफिंग रखा है मटर का उससे थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ मैदे की लोई को लेंगे। देख सकते हैं साइज इससे थोड़ा सा बड़ा मैंने ले लिया है। तो बस एक लोई को अच्छे से मैंने गोल कर लिया है। इसको आप कटोरी शेप दे देंगे इस तरह से और किनारे से पतले रखेंगे और बीच में इसको थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। और ये देखिए अब एक हम यहाँ पर ले लिए हैं। इस तरह से हम पहले से अगर गोल बना के रख लेंगे तो हमें बार बार हैंड को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए पहले से इसको बॉल बना के अब रख लीजिए। और इस तरह से इसको डालने के बाद अच्छे से इसको सील कर देंगे और चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे ताकि जो अब स्टफिंग है बाहर ना आए, और हाथों से ही इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो इसको कहीं रख के आप इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो अंदर की स्टफिंग है चारों ओर अच्छे से फैल जाए। तो बस इसको चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे और इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ हम बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से बना लेते हैं सारी कचौड़ी, और कुछ कचौड़ियाँ मैंने बना लिया है इस तरह से। तो चलते हैं इसे तलने के लिए। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो बिल्कुल देख सकते हैं मैंने यहाँ एक थोड़ा सा मैदा डाला है, तो बिल्कुल गुनगुना सा हो रखा है अभी ऑयल हमारा। तो इसे डाल देते हैं और हमें जिस तरह से हम जहां से हमने सील किया है उसे हम उल्टे तरफ से रखेंगे इस तरह से। तो जिस तरह से हमने बंद किया है उसको मैंने उल्टा तरफ कर दिया और इसे हम छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और लगभग 5 मिनट हो गया है तो अब इसे एक बार पलट लेते हैं। तो सारे अच्छे से एक बार पलट लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम तल लेंगे। और ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब इसे निकाल लेते हैं और निकाल के इसे सर्व कर लेंगे। और ये मटर की कचौरी बनकर रेडी है। खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी, और बनाना बहुत ही इजी। आप इसे शाम को स्नैक्स में भी खा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा के इंजॉय कर सकते हैं। और आप किसी सफर में जा रहे हो तो आप इसे बना के ले जा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।